मैनिफेस्टो मजाकला तरीके जे कार्ड से हमारी सरकार बनने जा रही है। जिस तरह से हमने लोगों के मुद्दे गुजरात में उठाए, महंगाई का मुद्दा था, किसान का मुद्दा था, व्यापारी का मुद्दा था, बेरोजगार नौजवान का मुद्दा था, ये सब मुद्दे को लेके कांग्रेस ने काफी अच्छी लड़ाई लड़ी है। नतीजे चालू हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं सभी एग्जिट पोल आपके खिलाफ है और आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी। सभी जगह एग्जिट पोल सही भी नहीं होते। हमने देखा है पास्ट में भी 10 एग्जिट पोल आए तो 10 एग्जिट पोलों को पब्लिक ने खोटा दिखाया, खोटा किया। तो देखिए अभी 12 बजे तक पूरे परिणाम आ जाएंगे। जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका कितना इफेक्ट पड़ा रहेगा? भारत जोड़ो यात्रा वो पूरे देश को जोड़ने की बात है और कांग्रेस के हमारे नेता तो बीजेपी 111 बैठक पर आम જોવા જઈએ તો અને 136 બેઠક પર અત્યારે કાઉન્ટિંગ જે ચાલી રહ્યું છે તે પ્રમાણે कांग्रेस 28 बैठक पर आगर चाली रही है। आम आदमी पार्टी 12 बैठक पर आगर चाली रही है। अत्यारे ले डबल डिजिट में आम आदमी पार्टी पावीजीतपुर में कांग्रेस ना सुखराम भाई पाछड़ चाली रहा है। एक विवाद पण थयो हतो, आ विवाद नरशे तमने त्यां? मने लागे छे सुखराम भाई जे छे एमनी उम्र बहु छे पण एमनू जे काम छे ए आटला बधा टर्म्स थी चूंटाई आवे छे। बीजू आदिवासी विस्तारनी अंदर जे अनंत भाई पटेल, आनंद भाई चौधरी और बाकी धारासभ्य जे नर्मदा तापी पाल लिंकनी लड़ाई करी थी अमरेली में पण पाछळ। हाँ बिल्कुल, एटले मैं तमने कीधु के आ हजी पण एक शुरुआतनी वात छे अने छता पण अमारा प्रमुख श्रीए पण कीधु तमने हमणा पण एएनआईना हवाला थी के 12 वाग्या सुधी आपणे राह जोईए। खास वात करी थी एक्झिट पोलनी संध्या, एक्झिट पोल पहला पण साचा नथी पड्या। हजी पण मैं गई काले कांग्रेस पक्ष वती अधिकृत 551,000 नु इनाम जाहिर कर्युं हतुं के जो कोई पण व्यक्ति, कोई पण ज्योतिष, कोई पण सेफोलॉजिस्ट, कोई पण पत्रकार के कोई पण सर्वे एजेंसी जो भाजप, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने अपक्ष नो साचो आंकड़ो 182 परफेक्ट 5-10 ने 10-15 नो डिफरेंट नहीं आपसे तो एने 551,000 नु इनाम आपवामां आवशे। मारी जोड़े 2500 जेटला बीजेपी। देखिए हमने तो चुनाव के पहले भी कहा था, वोटिंग के बाद भी कहा है और रिजल्ट जब आने लगा है तब भी हम आश्वस्त हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और गुजरात करीबन 90 से कांग्रेस यहाँ नहीं है, उसको 32 साल हो गए और किसी एक पार्टी को सातवीं बार उसी पार्टी को सत्ता में लाना, ये जनता का विश्वास संपादन करना, ये भारतीय जनता पार्टी का सद्भाग्य है। खास करके मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात जिस तरह से मॉडल बना विकास की, खास करके गुजरात में जो दिक्कतें थी पेयजल की थी, इरीगेशन की थी, आम आदमी की सामान्य मुश्किलियाँ जो थी वो सारी की सारी इस तरह से नर्मदा का पानी बहने लगा, पूरे सौराष्ट्र रीजन और उत्तर गुजरात जो ड्रॉट प्रोन जोन उसको इरिगेटेड लैंड करके हमने तब्दील किया और खास करके यहाँ के किसान के गरीब ट्राइबल एरिया